अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे रेसिपी इज KFC स्टाइल ड्रम स्टिक्स। और ये बहुत टेंडर और बहुत जूसी बनेंगे, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए 6 पीस मैंने लिए ड्रम स्टिक के, और मैंने इसको बीच में से कट लगा के इस तरह से इसको खोल लिया है। इस तरह ही इसके मसाला अंदर तक भी जाएगा और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा। इस तरह से मैंने बना लिए, देखें सबको मैंने ऐसे कट लगा के इसको खोल लिया बीच में से। मैं इसका एक प्रोसेस करूँगी। इन सारे ड्रम स्टिक को मैंने एक प्याले में पानी डाल लूँगी, उसके अंदर मैं सिरका डालूँगी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसको भिगो के 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह से इसमें जो भी ब्लड होगा, इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो भी गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी। वैसे तो ये धुली हुई हैं, फिर भी आप लोग ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा। इस तरह करने से हमारी ड्रम स्टिक्स में से ब्लड नहीं आएगा बिल्कुल भी। इस तरह से 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब हम चिकन का मैरिनेशन बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया 1 कप दूध, उसमें मैंने डाला 2 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून इसमें मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है चिली सॉस, 2 टीस्पून इसमें मैंने लिया है सोया सॉस। अब मैंने लिया 1 टेबलस्पून इसमें पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने लिया चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने लिया है सॉल्ट यानी कि नमक। सॉसेज में भी नमक होता है इसलिए मैंने नमक कम रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 अंडा। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और जो मैंने चिकन रखी हुई थी 1 घंटे के लिए, उसको मैं निकाल लूँगी पानी में से अच्छी तरीके से। देखें तो कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसको मैरिनेशन में डालती जाऊंगी। जब हम मैरिनेशन में डाल लेंगे तो इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में। ओवरनाइट रखने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा। देखिए हमने ओवरनाइट के लिए अपनी चिकन रख दी थी मैरिनेशन के लिए। अब देखें ये इस फॉर्म में आ गई है। अब हम अपनी ड्रम स्टिक की कोटिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हम अपनी चिकन की कोटिंग करेंगे। एक एक पीस हम उठाते जाएंगे बैटर में से और उसको अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लेंगे। दोबारा मैंने इसके अंदर कोट किया है क्योंकि ये ठंडा ही है, तो इसलिए मैंने पानी नहीं लिया। इसी के अंदर मैं इसको कोट करके दोबारा से इसकी कोटिंग कर रही हूँ मैदे से। आप लोग चाहे सिंगल भी कर सकते हैं, मैंने डबल कोटिंग की है। देखिए हम इस तरह से दबा दबा के करें, अच्छी तरह से झाड़ें, दोबारा इस बैटर में डालें और दोबारा से इसको मैदा लगा दें। इस स्टेज पर आप लोग इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे तो आप लोग निकाल के इन्जॉय कर सकते हैं। देखें कितने अच्छे से क्रम्स बने हैं इसके। अब हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद इसकी आंच स्लो कर देंगे क्योंकि चिकन को अंदर से पकाना भी है। अब मैंने स्लो आंच कर दिया बिल्कुल। देखिए इसके क्रम्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको निकाल लेंगे। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया। मैंने चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको सर्व किया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मेरी तरफ से आप सबको 10वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।